अबे यार बड़ा सीन हो गया सुबह से। अभी एक सीन हो गया, एक दोस्त है हमारा चेतन, उसका एक्सीडेंट हो गया यार। अभी सोए नहीं है इसी वजह से रात भर, जा भी रुकेंगे, अमन भी जा रहा है साथ में। बाकी आज का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, और नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो। एंड स्पेशली म्यूजिशियंस जितने भी हैं, मैंने अभी किसी को बताया भी नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, और मेरे फ़ोन का बैटरी पूरा ख़त्म हो गया है। जैसे हम इंडिया पहुंचे गुरु रोने लगे, पिंड पिंड आहे, पंजाबी में खड़काऊं क्या? थम्स अप दिखा रहा हूं, उसको थम्स अप दिखा रहा हूं यार, थम्स अप। लेकिन उनका थम ग्रीन और ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, सॉरी यार, थम्स अप यार। इंडिया में हम पहुंच तो गए, बट ये हमें जाने नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। अभी गेट ही नहीं खोल रहे, बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, सब अपना अपना आधार कार्ड जमा करवाओ यहाँ पे और तभी जा पाओगे। अब मेरे पास तो आधार कार्ड है नहीं, क्योंकि मैं तो आईडी वाला हूँ। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? फाइनली नीचे उतर चुके हैं, और ये देखो इंडिया, सिद्धांत और वो अभी पीछे से आ रहे हैं, और वो लोग लेट आ रहे हैं बिकॉज उनका गिटार वगैरह ऊपर रखा हुआ था और कहीं और बैठे हुए थे, तो मैं निकल आया हूँ। मैं तब तक बेल्ट नंबर 12 पे जाता हूँ, क्योंकि हमारा सारा लगेज 12 पे आएगा। चलो जाके मिलते हैं उधर ही, तब तक इनका वेट कर लेंगे। अब मुझे यहाँ से आनंद विहार जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से बस। मैंने अभी किसी को बताया भी नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, और मेरे फ़ोन का बैटरी पूरा ख़त्म हो गया है, सी क्या होगा। तो ये दोनों भी आ चुके हैं, हाँ भाई देशभक्त जाके तो अंदर गए हैं। हेलो भाई, बेल नंबर 12 पे आएगा ना फाइनली। अबे यार आगे से हटो। तो पहुंच चुके हैं इंडिया में, भारत हमारा देश भाई। मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं, और इतनी गर्मी, मतलब गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो यार मेरे को तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का। अब मैं जब पहले पहुंच जाऊंगा शांति से, तभी आपको बताऊंगा। अभी मेट्रो स्टेशन से यहाँ से आनंद विहार जाना है, फिर वहाँ से देखने है कोई बस वस बस वस, उसके बाद ये कहाँ रह गए यार, कहीं छोड़ के चले गए, वहाँ चले गए। तो भाई अभी बज रहा है सुबह का 6 शायद, मेरा फोन ऑफ है, अभी पहुँचा मैं घर। मतलब डोर टू डोर मेरा हो गया 24 घंटे का सफ़र भाई साहब, हालत खराब। पता सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगा, हम एक्चुअली पहुँच गए थे 7 o'clock IGI टर्मिनल 3 पे, और वहाँ से जब हमने एग्जिट लिया, जब वहाँ से मेट्रो पकड़ी ना, उससे ज़्यादा टाइम लिया मेट्रो ने। वहाँ से हम लोग पहुँचे समवेयर अराउंड 8 o'clock पे, हम लोग मतलब 7 o'clock पे पहुँच के सीधे हम लोग मेट्रो पकड़ी, वो IGI टर्मिनल 3 वाली मेट्रो, वहाँ से न्यू दिल्ली से राजीव चौक से, और फिर ब्लू लाइन ली भाई, ज़्यादा टाइम लिया मेट्रो ने। फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, तो फिर उसके बाद बुकिंग थी नहीं अपनी, तो फिर कैब ऐप का देखा तो महंगा पड़ रहा था, तो मैं और गुरु हम दो लोगों को आना था। फिर वहाँ से भाई इतना फेडअप हो गया था ना मैं इन सब चीज़ों से भाई, 12:30 बजे हमारी गाड़ी चली है, 8 बजे से लेके 12:30 बजे तक बस घूमते रहे। 12:30 बजे गाड़ी चली है, प्राइवेट बस अभी छोड़ा है उसने। चलो कोई नहीं यार, अब इतना तो चलता ही है। अब कुछ दिन घर पे, घर के व्लॉग, मोटो व्लॉग एंजॉय करो, ठीक है? मोटो व्लॉग वाली सीरीज़ का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है, पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखो, और मिलते हैं। चलो भाई, अब कुछ दिन यहाँ इंडिया में बिताएंगे घर पे, कहीं अगर ट्रिप जाएगा, शॉर्ट ट्रिप मारेंगे तो ठीक है, देन आफ्टर बैक टू UAE। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। अभी उठाऊँ मैं, और अभी उठ के बस नहाया है, अभी तो वही दुबई वाला चल रहा है टाइम जोन अपना, 2:10 हो चुका है, तो सोच रहा हूँ अभी लैपटॉप शुरू करता हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ आज का कुछ सिस्टम यार, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ दिन के लिए आए हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वीडियो तो दुबई में भी बना लेंगे, और दुबई में सोच रहे थे कि दुबई में रहेंगे तो अलसीफ में बना लेंगे। तो बाकी आज का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, और नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो। एंड स्पेशली म्यूजिशियंस जितने भी हैं, वो तो जाके पक्का देखो यार, दिस इज़ फॉर यू ऑल गाइस यार। जो चीज़ हमारे साथ हुई तो वो किसी म्यूजिशियन के साथ नहीं होनी चाहिए, है ना? तो वो तो हमारा एटलीस्ट ये था कि कुछ जान पहचान थी, कुछ था, इस वजह से इतना ज़्यादा हम लोग एफर्ट कर पाए, इतना मतलब वो कर पाए पुश उनको, अदरवाइज कोई नया बंदा जाएगा भाई। तो होपफुली देख लिया होगा, नई वीडियो देखा तो जाके देखो, तब तक रिकॉर्डिंग करते हैं। आज कहीं जाएंगे तो बताऊंगा, पुलकित का कॉल तो आया था मॉर्निंग की चलेंगे, लेप्सी कहाँ जाएंगे, ठीक है मिलते हैं भाई, कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग यार। सुबह से अभी एक सीन हो गया, एक दोस्त है हमारा चेतन, उसका एक्सीडेंट हो गया यार, अभी पुलकित का कॉल आया था, तो यार उससे मिलने भी जाना है, तो
आज अमन भी आ रहा है, अभी अमन को भी कॉल कर दिया है। अमन रुद्रपुर था, उसको छोड़ने गया था मैं कल। मेरे का सामान भी था, राहुल से मिलना था, तो कल जाके मैं राहुल से भी मिलाया रुद्रपुर जाके, और क्या बोलते सामान भी ले आया और अमन को भी छोड़ाया। अब बुल्ली का कॉल आया, उसको लगी है ज़्यादा, अब देखो जाते हैं। वीडियो तो नहीं बनाऊंगा यार, ऑब्वियसली बात है, लगी है उसके। तो निकलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। अमन भी आ रहे हैं, अमन और साथ में ही जाएंगे अभी, देखते हैं यार कितनी लगी है, कुछ पता नहीं। आज बहुत थकी सी हालत में है। सीन ये है कि कल क्या मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं था, तो भाई मैंने बोला एक बंदे को कि यार कोई आसपास है तो उसको फ़ोन चार्ज पे लगा दो। तो भाई उसने फ़ोन चार्ज पे लगाया और हम लोग अंदर थे सेलिब्रेशन में, देखा 9:30 बजे जाके तो भाई वो बंदा दुकान बंद करके चला गया, तो कोई नंबर नहीं कुछ नहीं नथिंग। उसको फ़ोन कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से व्हाट्सएप में, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। और अभी आज नेक्स्ट डे है मॉर्निंग, हम लोग को दिल्ली निकलना है अर्ली मॉर्निंग। मैंने सोचा था 5 बजे तक निकल जाऊँगा बट 6:30 हो गया, सोए नहीं है इसी वजह से रात भर। अब निकल रहे हैं, दिल्ली तो जाना ही है, कोई भी नहीं आधी नींद में होंगे तो। अब यार बड़ा सीन हो गया, मंगवाएंगे फोन दिल्ली बस पे, यही हो सकता है यार से उठा लेंगे। बड़ा ब्लंडर हो गया कल यार सब चीजों में ना, बड़ा सीन हो गया गाइस यार, क्या बोले यार। चलो जो भी हुआ तो अच्छा है, शुक्र है कि व्हाट्सएप मेरा लैपटॉप में ऑन था तो लैपटॉप से कोऑर्डिनेट हो गया। कुछ लोग थे बहुत इंपॉर्टेंट थे जो दिल्ली भी जाना है जिस बैंड के साथ, उससे बड़ा सीन है यार। निकलते हैं अब आगे, अब गोप्रो तो माउंट नहीं करूंगा हेलमेट में, बट ये है कि चीजें दिखाता रहूंगा आपको, मजा भी रखेंगे। अमन भी जा रहा है साथ में, मैं रेडी हो चुका हूँ, फ्रेश होने गया है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे, ठीक है। चलो अब फोन का भी देखना है रास्ते में, चलो बाय। तो भाई जाना नहीं है, हमार बाइक इज रेडी टू गो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रुद्रपुर। अरे पगला भी नहीं जा रहे हैं? अरे आपने तो बोलते रुद्रपुर ले, रुद्रपुर तो जाएंगे सर। नहीं गाइस ये बिल्कुल झूठ है, हम लोग बस वो दिल्ली वाले रुद्रपुर तक जा रहे हैं, इसको पता नहीं है अभी। तो अभी भाई हम लोग पहुँचे हैं अमरोहा पे, बहुत तेज बारिश हो रही है, भीग गए हैं बढ़िया करके, और मैं शूज़ भी भीग गए हैं पूरे बराबर, पूरे थोड़े डोसा खा रहे हैं। मैं भी मन गया है वॉशरूम में, थोड़ा गीला हो गया है तो चेंज करने गया है। अभी यहाँ से 110 किलोमीटर है दिल्ली, तो यार मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को पहुँचना है समय अराउंड 1 बजे तक, तो पहुँचना ही नहीं आओ अभी टाइम। फ़ोन तो मेरा है पता ही आपको, हल्द्वानी में ही अभी फ़ोन करेंगे उनको भी, अभी रुके हैं तो यार फ़ोन भेज दो और क्या सीन है देखते हैं। तो अभी यार समय अराउंड 10:30 लग रहा होगा, 10:15 हो रहा है, तो आने देते हैं फिर देखते हैं। अगर बारिश रुकेगी तो निकलेंगे यार फटाफट, बारिश हो रही है तेज़ बहुत ज़्यादा। आ गया अमन भी, क्या हाल है? नाव भर गई जूतों की। नहीं मेरे तो, मैंने तो उतार लिया, उतार लो ना नॉर्मल। तो भाई बारिश रुक चुकी है, हम निकलते हैं, अमन गया है फ्रेश होने, फिर निकलते हैं। अभी टाइम हो गया 11:03 है, मतलब 11 बजने में, 1 घंटा हार्डली यहाँ से और लगेगा मेरे हिसाब से। 1 घंटे बाद हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि चेंज करूँगा, देन आफ्टर मैं जैम्पर जाऊँगा, क्योंकि पैंट तो मेरी पूरी गीली हो गई और जीन्स मैं जाना सही भी नहीं है, शूज़ भी चेंज कर लूँगा, मिलते हैं जाके। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके थे दिल्ली कल, और हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ, फ़ोन वाला हादसा तो आपको बता दिया था। फिर हम लोग रूम पे पहुँचे, लेट हो गए थे, पूरा गीले हो गए थे, तो ये बैग पड़ा था नोएडा, हम लोग आ गए थे दिल्ली, फिर साउंड तो ये चले गए वहाँ जाम करने के लिए। फिर अभी अमन के रूम पे हैं, अब आज दूसरा दिन है, कल आके सीधा सो गए थे जी सर। सुबह उठे 11 बजे, नाश्ता वास्ता किया, अभी 2 बज रहा है, तो कुछ था नहीं, फ़ोन है था नहीं, शूट किस में करता, फ़ोन हल्द्वानी पड़ा हुआ है। आज हमारा परफॉर्मेंस है तो हमें निकलना है, गुड़गांव जाना है। अभी लोग हम प्रीत विहार पे हैं, अमन एक रेस्टोरेंट है उसके रूम पे, तो मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए एक बंदा स्पॉट हुआ है नंगा, देखो सोए हैं मेरे से। अरे अरे सर जी ब्यूटी।